अभी आपने आईपीएल ट्रॉफी पर गौर से ध्यान दिया है। अगर दिया होगा तो संस्कृत में लिखे इस श्लोक को जरूर पढ़ा होगा। ट्रॉफी पर लिखा रहता है यत प्रतिभा अवसर प्राप्नोति। हिंदी में इसका मतलब है जहां प्रतिभा को मौके मिलते हैं। आईपीएल के अब तक के 15 सीजन में इस श्लोक को कई खिलाड़ियों ने सच साबित किया है। आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां खिलाड़ी रातों रात स्टार बन जाते हैं और ऐसे स्टार्स की लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है, आयुष बदौनी। आयुष बदौनी सिर्फ 22 साल के हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने मेगा ऑक्शन में इन्हें सिर्फ 20 लाख की रकम में खरीदा था और फिर इस लड़के को सोमवार 28 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिला और आयुष ने इस मौके को पूरी तरह से बुनाते हुए अपना नाम बना लिया। आयुष बदौनी ने इस मैच में अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। बता दें कि वानखेड़े में आईपीएल 2022 का चौथा मुकाबला खेला गया। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। उनका ये फैसला सही साबित हुआ। गुजरात ने 29 रन के भीतर ही लखनऊ के 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। कप्तान केएल राहुल खाता नहीं खोल सके। क्विंटन डिकॉक 7 रन बनाकर आउट हुए। एवन लुइस ने 10 और मनीष पांडे ने 6 रन बनाए। ऊपर के 3 बल्लेबाजों को मोहम्मद शमी ने आउट किया और एवन लुइस को वरुण आरन ने। लखनऊ सुपर जायंट्स की हालत एकदम पतली थी। 9 ओवर तक लखनऊ के सिर्फ 42 रन ही बने थे और 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। अब क्रीज पर दीपक हुड्डा और आयुष बदौनी थे। लग तो यही रहा था कि लखनऊ बमुश्किल 3 अंकों तक जा पाएगी, लेकिन दीपक और आयुष ने वानखेड़े में मौज कर दी। दीपक हुड्डा ने 36 गेंदों में अपना 50 पूरा किया, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हुड्डा 55 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट होने के बाद आयुष ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने राशिद खान जैसे आला दर्जे के स्पिनर को शानदार छक्का लगाया। आयुष ने 41 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 रन की पारी खेली और टीम के स्कोर को 158 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि आयुष की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो टीम दबाव में थी, स्टार खिलाड़ी आउट हो चुके थे और आयुष खुद स्ट्रगल कर रहे थे। 13वें ओवर के खत्म होने तक आयुष बदौनी 20 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे थे। T20 में ऐसी बल्लेबाजी देखना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन आयुष ने इस बात का लोड लिए बिना ना सिर्फ पारी आगे बढ़ाई बल्कि अगले 21 गेंदों में 43 रन भी ठोक डाले। अपने आईपीएल डेब्यू पर आयुष 50 जड़कर आउट हुए। कमाल की पारी और काबिले तारीफ बल्लेबाजी। आयुष ने ड्रीम आईपीएल डेब्यू के बाद अपनी पारी के बारे में कहा, मैं स्कोरबोर्ड की तरफ नहीं देख रहा था। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मैंने 50 लगाया है। इस मुकाबले से पहले मैं काफ़ी नर्वस था और पिछली रात सो नहीं सका था, लेकिन जैसे ही अपनी पहली बाउंड्री लगाई लगा कि मैं तो इसी के लिए यहाँ हूँ। बल्लेबाजी के लिए ये विकेट काफ़ी अच्छी है। 6 ओवर्स के बाद बॉल बैट पर आ रही थी। बता दें कि आयुष बदौनी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। मशहूर कोच तारक सिन्हा से कोचिंग ली है और उभरते हुए अग्रसिव ऑलराउंडर हैं। आयुष 2018 में अंडर-19 एशिया कप जीतने वाली टीम इंडिया का अहम हिस्सा थे। उन्होंने टूर्नामेंट में 5 मैच खेलते हुए 67 की एवरेज से 200 रन ठोके थे। यशस्वी जायसवाल के बाद आयुष टूर्नामेंट के दूसरे लीडिंग रन स्कोरर थे। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में आयुष ने सिर्फ 28 गेंदों में 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 52 रन की पारी खेली थी। आयुष की धुआंधार बल्लेबाजी की वजह से भारत फाइनल जीतने में कामयाब रहा था। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।